नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मंगल और गुरु की युति के बारे में। मंगल गुरु की युति कुंडली में अच्छा फल देगी या बुरा फल देगी, ये जानने के लिए हमें कम से कम 5 बातों को ध्यान से देखना होगा, समझना होगा। सबसे पहला हमें देखना होगा कि मंगल और गुरु कुंडली के कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। नंबर 2, मंगल और गुरु के अंश देखने आवश्यक है। फॉर द एग्जाम्पल, मंगल यहां देखिए 10 अंश का है, गुरु 15 अंश का है, तो दोनों के बीच में 5 अंशों का फर्क है, तो इस युति को प्रबल युति माना जाता है। ठीक इसके विपरीत मंगल 5 अंश पे है, गुरु 27 अंश पे है, इन दोनों के बीच में 22 अंशों का फर्क है, तो इस युति को कमजोर युति माना जाएगा, इसका फल नहीवत होगा। उसके बाद हमें देखना होगा कि मंगल और गुरु कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, इसका भी अपना एक खास महत्व है। चौथे नंबर पे मंगल और गुरु की युति कौन से भाव में हो रही है, केंद्र में हो रही है, त्रिकोण में हो रही है, या फिर 3, 6, 8, 12वें भाव में हो रही है, इसका भी अपना एक खास महत्व है। पांचवें नंबर पे मंगल और गुरु की युति कौन सी राशि में हो रही है, ये भी जानना अति आवश्यक है, क्योंकि 12 राशि के अंदर 12 अलग अलग प्रकार के परीक्षण देखे जाते हैं। और ये सारी बातों का फल कब मिलेगा, जब मंगल और गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा, अति सूक्ष्म दशा आएगी, तब मंगल गुरु की युति का फल मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कुंडली के अंदर कौन से लग्न के अंदर मंगल गुरु ज्यादा अच्छा फल देते हैं। तो मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न के अंदर ज्यादातर मंगल और गुरु कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर बैठते हैं, और इन लग्नों के अंदर इतना अच्छा फल नहीं देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर मंगल और गुरु कुंडली के कारक ग्रह बनकर केंद्र या त्रिकोण में एक साथ बैठे हो, और उसमें भी गुरु स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो या उच्च का होके बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति किस टाइप के होते हैं बताना चाहूंगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, दयालु, उदार मन के होते हैं। ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा जैसे कार्यों में रुचि रखने वाले लोग होते हैं। ईश्वर के प्रति अतूट श्रद्धा रखने वाले, गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, पुजारियों को मान सम्मान आदर देने वाले लोग होते हैं। ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र मंत्र यंत्र जैसे शास्त्रों में रुचि रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा भी बढ़ती जाती है। ज्ञान के माध्यम से समाज के अंदर मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश जस, कीर्ति प्राप्त करते हैं, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी आर्थिक स्थिति में भी दिन प्रतिदिन सुधार होते देखा गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर गुरु और मंगल कुंडली के कारक ग्रह बनकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो, और गुरु कुंडली के अंदर मित्र क्षेत्री, स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग सत्य का साथ देने वाले लोग होते हैं, न्याय प्रिय लोग होते हैं। न्याय करते समय वो अपने और पराये में भेद नहीं करते। जो बच्चे पढ़ाई करते हो और उनकी कुंडली के अंदर मंगल गुरु कुंडली के कारक ग्रह बनकर केंद्र या त्रिकोण में साथ में बैठे हो, और उसमें भी गुरु स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो, और अगर कहीं ना कहीं चौथे पांचवें भाव से उसका कनेक्शन हो, तो ऐसे बच्चों को कॉमर्स फैकल्टी के अंदर जाना चाहिए, और कॉमर्स की स्टडी करने के बाद उन लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी का कोर्स करना चाहिए, या डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट करना चाहिए। ये सारे कोर्सेस करने से उनको फायदा होता है। अगर कोई
बच्चे की कुंडली में मंगल और गुरु की युति केंद्र त्रिकोण में होती हो और मंगल कुंडली के अंदर स्वगृही उच्च का या मित्र क्षेत्री होकर चौथे या पांचवें भाव से कनेक्शन करता हो, तो ऐसे बच्चों को इंजीनियरिंग की स्टडी से लाभ होता है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एरोनॉटिकल इंजीनियर, ऐसी सब स्टडी से फायदा होता है। वो लोग एमबीए भी अच्छी तरह कर सकते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल गुरु कारक ग्रह बनकर केंद्र या त्रिकोण में एक साथ बैठे हो और अगर उनकी कुंडली में गुरु का बल बहुत अच्छा हो या गुरु स्वग्रही उच्च का होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि उनको वो लोग एक अच्छी टीम लीडर बन सकते हैं। कौन से व्यक्ति से कौन सा काम कैसे करवाना ये वो भली भांति जानते हैं। कंपनी के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या मैनेजर लोगों की कुंडली के अंदर भी मंगल गुरु की युति साथ में देखी गई है। मंगल कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही या उच्च का होकर मित्र क्षेत्री होकर गुरु के साथ बैठा हो, तो उनमें और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय अपने जन्म स्थान के आसपास होता है या फिर जहां पे वो पले बड़े हुए हैं वहीं पे आसपास उनका भी भाग्योदय हो सकता है। और अगर ऐसे व्यक्ति के नाम पे कोई जमीन खरीदी जाए, कोई दुकान खरीदी जाए, कोई फ्लैट खरीदा जाए, तो वो बहुत लाभदायी साबित होता है। अभी हम जानेंगे कि जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल कुंडली का शुभ ग्रह बनकर उच्च का स्वगृही मित्र क्षेत्री होकर गुरु के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति पुलिस खाता, मिलिट्री, नेवी, आर्मी जैसे क्षेत्रों में उच्च पदाधिकारी देखे गए हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर, उद्योगपतियों की कुंडली के अंदर भी मंगल गुरु की युति देखी गई है। जो लोग अपने दमखम पर अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपने क्षेत्र के अंदर यश जस कीर्ति प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपना जीवन बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ाते हैं और बहुत धन कमाते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर गुरु कारक ग्रह बनकर केंद्र या त्रिकोण में उच्च का होता हो और मंगल उसके साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति अगर अपना जीवन सात्विक तरह से निर्वाह करें, बुरा व्यसन न करें, खान पीन में शुद्धता रखें और किसी देवी देवता की पूजा आराधना करें, अनुष्ठान करें, तो उनका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है, उनकी अंतःस्फूर्णा में वृद्धि होती है, सिक्स सेंस पावर डेवलप होता है और इनके मार्गदर्शन के वजह से जन कल्याण का उद्धार होता है, कई दुखियों का दुख दूर होता है। इनमें और एक खास बात देखी गई है, जिनकी भी कुंडली में मंगल गुरु साथ में है उनमें और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग बहुत ही दयालु, उदार, दानी स्वभाव के होते हैं, समाज के अच्छे अच्छे कार्यों के अंदर आर्थिक दृष्टि से मददगार होते हैं, इसलिए कुछ विद्वान लोग इस युति को औदार्य योग भी कहते हैं। ये युति अगर मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि में होती हो तो अति शुभ मानी गई है। कोई व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल गुरु कारक ग्रह बनकर छठवें भाव में बैठे हो, तो ये भी देखा गया है कि उनके ज्ञान के वजह से उनके काफी शत्रु बढ़ जाते हैं और उनकी शत्रुता के वजह से वो काफी अपसेट रहते हैं, कुछ लोगों को डायबिटीज हो जाती है, ये भी देखा गया है। अगर मंगल गुरु की युति अष्टम भाव में हो तो काफी लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये भी देखा गया है, और उनको रिश्तों में सुख कम मिलता है और उन लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर या मोटापा जैसी बीमारी होते देखी गई है। प्रिय दर्शकों, जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल गुरु साथ में हो और उनको ये योग का अच्छा फल चाहिए, तो उन्हें गुरु, ब्राह्मण, पुजारी को मान सम्मान देना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु को बलवान कर, मंगल को बलवान करने के लिए हनुमान जी और दत्तात्रेय की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार और गुरुवार के दिन गौशाला में जाके गायों को चारा खिलाना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए और जितना हो सके इतना समाज के शुभ कार्यों में अन्नदान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।